जी ऑनलाइन फैमिली एक नया दिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो आज है थर्सडे और हम ऑफिस से आ गए हैं, फ्रेश फ्रेश हो गए हैं। तो अभी हमारी यहाँ न्याज दिल्ली, क्योंकि आज है जुमरात, तो जुमरात वाले दिन हमारी यहाँ दिल्ली है न्याज। और अभी खाना लग रहा है न्याज के लिए, न्याज दिल चुकी है। अब हम जा रहे हैं, न्याज भी चखेंगे और उसके बाद खाना भी खाएंगे। सबर करो। चुका है, ये आ गई फ्रूट चाट, सालन और सलाद, मिठाई और ये है बिरयानी और ये आ गई रोटी। भाई मेरी तो जो है ना हंसी नहीं छूट रही। इंडिया इतना बुरा तरीके से जो मैच आ रहा है ना, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि पता नहीं कौन सी टीम से इंग्लैंड खेल रहा था। क्योंकि इंडिया की टीम जो है ना ऐसी टीम है कि अब जो है ना वो उसकी मिसाल ऐसी है कि जंगल में जो नए नए शिकारी जाते हैं ना, तो उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है भाई। हाँ, जो मिले बस कर देना अगर हो सके तो। ऐसे ही वो कुछ करना चाह रहे थे मगर उनसे हो नहीं पाया भाई। और मुझे तो लगता है कि अब इंडिया की टीम को जो है ना ख़त्म ही कर देना चाहिए, बैंड लगा के उनको फारिग कर दें, क्योंकि उनके बस का काम है नहीं अब क्रिकेट खेलना मेरी नज़र में। और इंग्लैंड ने जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है बहुत ज़बरदस्त। पहले पाकिस्तान ने पिछले साल T20 में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई थी इंडिया को मार के, और आज दोबारा से इंग्लैंड ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया को मार के। तो इंडिया का तो मुझे लगता है अब ये हर साल ऐसी होगा उसके साथ। इससे अच्छा यही है कि वो टूर्नामेंट से पहले ही आउट हो जाए और ख़त्म हो जाए भाई। उनके बस का काम नहीं है भाई क्रिकेट खेलना। एक चीज़ भूल गया हूँ दोस्तों, तो लोगों के जज्बात से खेला उन्होंने और इतने लोग पहुँचे हुए थे बेचारे, वो भी मायूस हो गए। ऐसी टीम, ऐसी बकवास टीम इंडिया की, समझ से बाहर थी मेरे को। पता नहीं क्या खेल रहे थे, गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने आए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाय बाय टाटा। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो मुस्लिम? कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा? हाँ कहाँ भागेगा? तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे। कहाँ भागेगा? क्या पी रहे हो? अच्छा क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो? कार्टून देख रहे हो? तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।